नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है उत्कृष्ट त्रिपाठी। तो आज है एक मई यानी इंटरनेशनल वर्कर डे और लेबर डे। तो चलिए इसके बारे में आज पढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल लेबर डे, इंटरनेशनल वर्कर्स डे ये क्यों मनाया जाता है? ताकि हमारे समाज में जो श्रमिक वर्ग है, श्रमिक वर्ग केवल उसे ही नहीं बोलते कि आप समझ लीजिए कि आप समझ रहे होंगे जैसे कि मजदूर हमारे यहाँ ईटा पत्थर जोड़ने आता है, नगर निगम कर्मचारी, इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए। किसी को भी अगर काम के लिए, उसके काम के लिए अगर पे किया जाता है, उसे पैसे दिए जाते हैं उसके काम के लिए, तो उसको श्रमिक कहते हैं। और इन्हीं के मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए हमें हर साल 1 मई को क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाते हैं। इसको मई डे या लेबर डे भी बोलते हैं। कब मनाते हैं? 1 मई को मनाते हैं। सेलिब्रेटेड फॉर द लेबर एंड द वर्कर ऑफ आवर सोसाइटी। ओके, अपने सोसाइटी के लेबर और वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाया जाता है। और दूसरा रीज़न ये है, इंटरनेशनल लेबर यूनियन को भी प्रमोट करता है। अगर हिस्ट्री देखें इसकी, तो हिस्ट्री ये है कि विद द राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 19वीं शताब्दी में, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनी चरम सीमा पे था, तो वहाँ वर्करों से कहा गया कि आपको एक दिन में 15 घंटे काम करने हैं। लेकिन एक दिन मई 1, 1886 को US लेबर यूनियन ने ये कहा कि हम 15 घंटे के बजाय 8 घंटे काम करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने पेड हॉलीडेज, फेयर सैलरीज, ब्रेक्स ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, इन सबों की भी मांग की। अब होता क्या है कि शिकागो में एक मार्केट है जिसका नाम है हे मार्केट। वहाँ पे लेबर्स, जितने मजदूर थे, और पुलिस वालों के बीच में झड़प हो गई। हुआ क्या कि लेबरों के बीच में से किसी ने पुलिस पे बम फेंक दिया। तो अब पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस वालों ने भी गोलियाँ चला दी, जिसमें करीब 7 पुलिस ऑफिसर मरे, 4 सिविलियन मरे, इसके अलावा कई सौ लोग घायल हो गए। तो इस वजह से क्या होता है कि ये डिसाइड किया गया, किसने किया, द डेट वॉज चूजन बाई पैन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज टू कमेंडेट द हे मार्केट अफेयर विच ऑकर्ड इन शिकागो ऑन 4 मई 1886। तो इस समय जो ये जो हमला हुआ था, उसमें कई सारे लोग जो मजदूर मारे गए और पुलिस वाले मारे गए, तो उन्होंने कहा, बहुत सारी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने डिसाइड किया कि हम हर साल 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे या वर्कर डे मनाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे समाज का जो श्रमिक वर्ग है वो मोटिवेट होता रहेगा। तो ये देख सकते हैं है मार्केट का जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, उसकी ये दृश्य है। यहाँ पे कुछ लेबर लोग हैं, यहाँ पुलिस ऑफिसर हैं, केवल एक सिविलियन ने, केवल एक आदमी ने बम फेंका था, लेकिन उसके वजह से गोलियाँ चल गई थी। तो इसी की याद में हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं। इंडिया में अगर बात करें, इन इंडिया द लेबर डे इज़ अ पब्लिक हॉलीडे एवरी ऑन 1 मई, यानी 1 मई को पब्लिक हॉलीडे होता है। लेकिन ये स्टेट डिसाइड करती है कि किस स्टेट में 1 मई को हम हॉलीडे देंगे और किस स्टेट में नहीं देंगे। तो मैक्सिमम क्या होता है कि साउदर्न स्टेट जितनी हैं, वहाँ पे 1 मई को जितने वर्कर्स हैं उन सभी की छुट्टी रहती है, लेकिन नॉर्दर्न स्टेट में ऐसा नहीं होता इंडिया के। इसको कामगार दिवस भी बोला जाता है, या मजदूर दिवस, या श्रमिक दिवस भी बोला जाता है। द फर्स्ट डे सेलिब्रेशन इन इंडिया वॉज ऑर्गेनाइज इन मद्रास। सबसे पहले इंडिया में कहाँ मनाया गया, मद्रास में मनाया गया, जिसको आज के समय चेन्नई बोलते हैं, बाय द लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान। किसके द्वारा, लेबर किसान पार्टी की पार्टी जो है ये नाम है लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, इसके द्वारा, इसके एक हेड थे, उनके द्वारा मद्रास में यानी चेन्नई में सबसे पहले इस डे को मनाया गया था। कब मनाया गया, 1 मई 1923 को। और ये वही समय था जब इंडिया में सबसे पहले रेड फ्लैग का यूज़ किया गया था। अब देखिए, इस सेलिब्रेशन के बारे में मेरी क्या ओपिनियन है वो आपको बताते हैं। देखिए, अगर मैं भी एक इंडस्ट्री में काम करता हूँ, वहाँ मैं भी देखता हूँ चीज़ों के बारे में, तो ये चीज़ देखने को आती है कि अधिकारी अगर अपने वर्कर से अच्छी तरह से पेश आएँ और उनको उनके काम के प्रति मोटिवेट करें,
तो मैक्सिमम अमाउंट में इफिशियंसी निकल सकती है। यही अगर उनके ऊपर वर्कर्स के ऊपर अत्याचार किया जाएगा तो क्या होगा, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे और उनकी कार्य करने की क्षमता घट जाएगी। कंपनी में आए दिन स्ट्राइक होते रहेंगे, अधिकारियों के खिलाफ मोर्चे किए जाएंगे, तो इससे क्या होगा, केवल नुकसान होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि एक दिन साल में ऐसा जरूर देना चाहिए कि जिससे लेबर और वर्कर्स के ऊपर क्या हो, उनको हाईली मोटिवेट किया जा सके उनके काम के प्रति, और न्यूज़ रेडियो समाचार पत्र में भी उनकी तारीफें की जानी चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए, उनकी इम्पोर्टेंस को बताना चाहिए। समाचार में, रेडियो में लेबर्स की क्या इम्पोर्टेंट है हमारे पूरे सोसाइटी में, इस चीज़ को भी बताना चाहिए, उनको बोनस देना चाहिए। इसके अलावा उनके काम के लिए उनकी तारीफें करनी चाहिए, उनको प्रशस्ति पत्र भी देना चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहिए कि क्या उनको दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब चीज़ ठीक है। अगर उनको किसी चीज़ की कमी लग रही हो तो वो चीज़ हम उसको मुहैया करा सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनको हॉलीडे भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लगातार श्रमिकों से काम करवा रहे हो, उनको उनकी इफ़िशियंसी के हिसाब से हॉलीडे भी देना चाहिए। तो ये मेरी ओपिनियन, हम किस तरह से लेबर डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा कई जगह हम जगह जगह पे इसके खिलाफ वो एक मुहिम चला सकते हैं कि लेबर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दे सकें, पीछे से बैकअप उनको दे सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।